22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, अ प्लेस टू इमेजिन, इन्वेंट एंड इंस्पायर। NSIT अम्हारा बेटा पटना। झाझा थाना क्षेत्र के जामू खिरैया गांव में दुष्कर्म की कोशिश के बाद नाबालिग लड़की की निर्मम हत्या के बाद आरोपी द्वारा परिजनों को केस नहीं उठाने व परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दिए जाने के बाद ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को आवेदन देकर न्याय की लगाई गुहार। बताया जाता है कि झाझा थाना क्षेत्र के जामू खिरैया गांव निवासी शत्रुघ्न सिंह की नाबालिग पुत्री निशा कुमारी 26 मई की देर भैयार की ओर शौच करने के लिए गई हुई थी, तभी कुछ अपराधियों ने लड़की को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। वही नाकामयाब होने पर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दिया था, जिसके बाद मृतक के परिजन के बयान पर झाझा थाने में नामजद 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज किया गया था, जिसमें पुलिस ने सद्दाम को गिरफ्तार किया था, पर 2 आरोपी अब भी खुले घूमते देखे जाते हैं। वही आरोपी के पिता इब्राहिम अंसारी पीड़ित परिवार को केस नहीं उठाने पर पूरे परिवार वालों को जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि गांव से पुलिस कैंप हटते ही पूरे परिवार वालों को जान से मार देंगे। वही धमकी के बाद मंगलवार को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश मंत्री विशाल सिंह तथा प्रदेश प्रचार मंत्री चंदन सिंह चौहान सैकड़ों ग्रामीणों के साथ स्मरणालय स्थित DM कार्यालय के समीप आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया। वहीं इस मौके पर जामू खिरैया गांव के संजीव सिंह, समरेश सिंह, सूरज वर्णबाल सहित सैकड़ों ग्रामीण शामिल थे। गणमान्य व्यक्ति का निधन हो गया था, तो उनके श्राद्ध में हम लोग कुछ खाई पी होगी, जिसके कारण की पेट खराब था, रोज उधर ही शौच के लिए जाती थी। जब 8:30 में वो बच्ची हमारी पैन के तरफ एक केनाल है वहाँ जब जाती है, तो पहले से ही मुस्लिम समाज का जो लोग है वो खड़ा होके, जिसका नाम सद्दाम मियां है, 2 अज्ञात और हमारी बच्ची के साथ एक ज्योति गई थी साथ में बच्ची, जब वह देखी कि जैसे उधर से निकला और झपटते हुए इसको खींचते हुए उसके बाद जाके पैन के अंदर ले गया, तब तक हमारी बच्ची उधर से भागती हुई आती है और गांव के तरफ जैसे आती है तो बोलती है कि सद्दाम मियां उस बच्ची को, निशा को उधर ले गई है। जब तक हम लोग गांव वाला जाते हैं, देखते हैं उसका लाश मार उर के जो भी करना था, मतलब एक घंटा लगभग टाइम, आधा घंटा लग गया, और पैन के अंदर वह चलते हुए अंदर घसीटते हुए बच्ची को आगे ले गया। खोजबीन में जब तक किए तब तक वह बच्ची को जो भी करना था, कत्ल वगैरह करके जो भी आप रेप किया, अभी तक हम परिजन अभी तक पोस्टमार्टम का भी रिपोर्ट नहीं देखे हैं, ना FIR कॉपी मेरे पास आई है। क्या कोई दुश्मनी था उन लोग के साथ? नहीं, दुश्मनी नहीं, वो एक ऐसा घर है हम लोग के समाज में, 2-3 ही घर है, जबकि ऐसा दुर्दांत पूरा कनेक्शन उसका अपने ही में, मतलब उसका विचार असामाजिक तत्व है जो कि हमारे समाज में सांप के तरह आके बसा हुआ है। पहले भी किसी मोदी के यहाँ दिन दहाड़े दुकान में घुसकर उसका राशन सामग्री वगैरह उठा लेना, ये कर लेना, दूसरे को छेड़छाड़ करना, गांव में लगभग 2-4-10 घटना वह कर चुका उसका था। पिता जो इब्राहिम धमकी दे रहा था, वो क्या मतलब? इब्राहिम मियाँ द्वारा जो धमकी दिया गया था उसके लिए हम लोग SPDM साहब के भी पास आए हुए थे, तो जाके इन्होंने आश्वासन दिया था कि उसकी गिरफ्तारी होगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। क्या धमकी दे रहा था? धमकी मतलब केस उठा लो ना तो जान से मार देंगे, हमारी ममता ये जैसे है जो छोटी बहन के बेटी के साथ किया उस तरह तुम्हारी बड़ी बेटी के साथ करेंगे, ऐसा धमकी दे के। क्या नाम आपका है? मेरा नाम सानू सिंह है, हम ग्रामीण के समक्ष ग्रामीण है जामू। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सोल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, BP जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ECG करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं, साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।